हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सैफ्रन बॉक्स। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मार्च 2019 के बारे में और हम देखेंगे कि इस महीने जो ग्रह गोचर हो रहे हैं, काफ़ी सारे हो रहे हैं, 8 ग्रह गोचर कर रहे हैं अलग राशियों में, तो हम देखेंगे कि इन सब ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर। और मैं ग्रह गोचर की अगर बात करूँ तो इस महीने शनि को छोड़कर, जो फिलहाल धनुराशि में है और धनुराशि में ही हैं इस पूरे महीने, बाकी के जो जितने भी ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह, वो सब के सब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसी से अगर बात को शुरू किया जाए तो अगर देखें राहु और केतु का सबसे पहले गोचर होगा 7 मार्च को। राहु जाएंगे मिथुन राशि में और केतु जाएंगे धनु राशि में। इस ग्रह गोचर का, राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, इसके बारे में मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का जो तीसरा गोचर जो मैं बताने जा रही हूँ वो है बृहस्पति का। तो बृहस्पति अभी फ़िलहाल वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक से निकल के जाएंगे धनु में, और ये गोचर होगा 29 मार्च को। ये गोचर भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बृहस्पति ने इस गोचर के साथ गंडांत पॉइंट, जो गंडांत होता है उस पे बृहस्पति का गोचर होगा। तो जब भी वृश्चिक से निकल के धनु, यानी जलीय राशि से निकल के जब भी आग्नेय राशि में कोई ग्रह गोचर करता है तो हम कहते हैं कि वो गंडांत से निकल रहा है। तो बृहस्पति निकलेंगे गंडांत से। फिर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य फिलहाल कुंभ राशि में है और मीन संक्रांति पे, यानी 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च से सूर्य चले जाएंगे मीन में। और सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ ही खर मास, जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा, जो कि चलेगा बैसाखी तक, यानी अगली सूर्य के अगले ग्रह गोचर तक। तो इस ये जो पूरा एक महीना होता है, इसमें भारत के बहुत सारे अंगों में, बहुत सारे राज्यों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादियाँ नहीं होती, कोई भी अच्छा जो सेलिब्रेशन या कोई उत्सव है नहीं मनाया जाता। ये दिन खुलते हैं फाइनली जाकर बैसाखी के बाद। फिर शुक्र का ग्रह गोचर होगा कुंभ में। शुक्र जाएंगे 21 मार्च को कुंभ राशि में। मंगल अपनी स्वराशि यानी मेष राशि से निकल के 22 मार्च को चले जाएंगे वृष राशि में। फिर बुध फिलहाल वक्री हो जाएंगे, बुध आएंगे कुंभ राशि में 15 मार्च को, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 8 के 8 ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये बहुत रेयरली होता है, ये इतनी फ्रीक्वेंटली, इतनी जल्द इतने ग्रह इकट्ठे एक महीने में गोचर नहीं करते। और इसमें सारे ग्रह, जैसे मैंने बताया, राहु, केतु, बृहस्पति, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो जल्दी चलने, जिनकी चाल जल्दी होती है, जल्द होती है, या जिनकी धीमे चाल होती है, सब के सब हिल रहे हैं। तो इन सब का देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ता है। अगर प्रभाव के बारे में बात करें तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो पड़ता ही है जब इतने सारे ग्रह गोचर कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें एरीज़ की, एरीज़ से शुरू करें, मेष राशि से शुरू करें, तो मेष राशि में अगर देखा जाए, मंगल मेष राशि से निकल कर टॉरस में, यानी वृष राशि में जा रहे हैं, जो कि आपके लग्नेशी हैं। तो महीने के शुरू के जो कुछ दिन हैं, अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस है आपका, ऐसा हो सकता है, ये मैंने पहले भी बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं आप में। आपको लगेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, पर शायद आपसे उतना हो ना पाए जितना आपको लगता है। तो आपकी जो भी उम्मीदें हैं अपने आप से, आपके जो भी वर्क कमिटमेंट्स हैं, उनको रियलिस्टिक रखिए, उनको बिल्कुल ग्राउंडेड रखिए, और जो आप कर सकते हैं उतना ही कमिट करिए किसी को, उतने का ही प्रॉमिस करिए किसी को, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है महीने के अंत में। फिर कोई भी आपके करियर को लेके या प्रोफेशन को लेके अगर कोई भी डिसीजन है, इस महीने कोशिश करें कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन ही आपको आगे भी सही स्थिति में रखेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, इस महीने इतने ग्रहों का गोचर, इतना राशि परिवर्तन हो रहा है,
और आगे भी अगर हम देखें तो ये पूरा साल बहुत सारे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों को दिखाता है, बहुत सारी गतिविधि है अगर हम देखें प्लैनेट्स को, ग्रहों को। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आप जो भी डिसीजन लें, जो भी लंबा लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, वो बहुत ही सोच समझ के लिया जाए, ठीक है। फिर मेष राशि की अगर हेल्थ को देखें तो आपकी हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा हो सकता है, आप जब नए नए लोगों से मिलते हैं उनसे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और उससे आपको अपने काम में फ़ायदा भी हो सकता है। कोई भी जब आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें अगर आपकी किसी से बनती नहीं है, आप किसी चीज़ को लेके सहमत नहीं हैं, तो कोशिश करें कि आर्गुमेंट्स पे ना जाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो चुप्पी रखें, आर्गुमेंट्स पे ना जाएं, अग्रेशन में ना आएं और अपने गुस्से को तो बिल्कुल ही काबू में रखें। ओवरऑल महीना ठीक है, आपकी काफ़ी एनर्जी, काफ़ी जो आपका वक्त है, टाइम है, वो आपके फैमिली मैटर्स के ऊपर भी जाएगा, वो भी महीने के आखिरी कुछ दिनों में, आखिरी 10-12 दिनों में आपको लगेगा कि आपकी फैमिली को आपकी आवश्यकता है, तो आपका काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी वहाँ पे स्पेंड होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो सेकेंड हाफ जो है इसमें अपना कंसंट्रेशन, अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अगर आप बड़ी क्लासों में हैं, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जो सेकेंड हाफ ऑफ मार्च है उसमें अपने कंसंट्रेशन को खोने ना दें, ठीक है। अब बात करते हैं टॉरस राशि की, यानी वृष की। वृष को अगर देखा जाए तो इस महीने बहुत सारा टाइम, बहुत सारी आपकी एनर्जी आपके फाइनेंसेस के ऊपर जा सकती है, तो आपका कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, आपका संचित धन हो, उसको लेकर आपका कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, जिसमें आपके नए इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में डिसीजन हो सकता है, कोई कोई आपको नया कार्य करना पड़े अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, री इन्वेस्टमेंट करना पड़े, फिर से अपने पैसे निकाल के कहीं सर्कुलेट करने पड़े, री इन्वेस्ट करने पड़े, ये सारी चीज़ें इस महीने आपका काफ़ी टाइम लेंगी। अगर आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपका कार्य ऐसा है कि आप ट्रैवल काफ़ी करते हैं, तो इस महीने काफ़ी केयरफुल रहिए। जब आप ट्रैवल करते हैं तो चाहे छोटी जर्नी हो चाहे लंबी जर्नी हो, कोशिश करें कि अपने जब आप यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपकी चीज़ें, जो भी आपके वॉलेट है, आपका मोबाइल है, इन सब चीज़ों को लेके केयरफुल रहिए, क्योंकि कोई ना कोई चोरी या किसी ना किसी लॉस के भी योग बन रहे हैं। और कोई भी आपकी जो पोजेशंस हैं, आपके कोई भी जो चीज़ें हैं घर में, जो कीमती चीज़ें हैं, उनकी भी रखरखाव अच्छे से करिए, केयरफुल रहिए और लापरवाही से किसी भी चीज़ को खोने वाली स्थिति में ना पड़िए। ओवरऑल ये जो टाइम है आपके लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। आपको अपनी क्रिएटिव इंटरेस्ट, अगर आप फॉलो करके कोई अपना प्रोफेशन है आपका, तो क्रिएटिव इंटरेस्ट की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल इस मंथ में स्पेशली शुरू का जो भाग है इस महीने का, उसमें कोई ना कोई फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। आपके स्पाउस को लेकर, आपके जो जीवन साथी हैं उनकी हेल्थ को लेके कोई ना कोई चिंता बन सकती है इस महीने, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए और कोशिश करिए कि आप घर में अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अपना रूटीन ठीक रखें और ओवरऑल आपके फैमिली में हेल्थ पे, सबकी हेल्थ पे अपनी नज़र ज़रूर रखिए। अब बात करते हैं जेमिनाई की, यानी मिथुन राशि की। तो आपके तो लग्न में ही 7 मार्च को राहु का प्रवेश हो रहा है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु केतु, और राहु आ जाएंगे आपके लग्न में पहले घर में और केतु चले जाएंगे आपके 7वें घर में शनि के साथ। अगर हम ये बहुत बड़ा परिवर्तन है आपके लिए, क्योंकि राहु ने यहाँ पे रहना है करीब 1.5 साल, केतु ने रहना है आपके 7वें घर में 1.5 साल के लिए। इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपका जो 1.5 साल कैसा जाएगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मेरे राहु और केतु वीडियो को देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओवरऑल अगर हम इस महीने की बात करें तो ऐसा आपको लगेगा कि आपको लक फेवर कर रहा है, आपका भाग्य
आपका साथ दे रहा है और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी अपना थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर ऐसी आप स्थिति में थे जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ख़त्म होता सा नज़र आ रहा था, आपको अंडर कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा था, तो इस पूरे महीने आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, आपके लिए खुद के लिए जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो अच्छे अवसर आते हैं, उसको आप यूटिलाइज़ करने की सोच बना पाएंगे और इसका असर धीरे धीरे वैसे भी आपको 1.5 साल में अब नज़र आता ही रहेगा। जो पहला हिस्सा है इस महीने का 15 तारीख का, वो मैं कहूँगी कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है महीने का, जो सेकेंड हाफ है, उसमें काफ़ी सारे ग्रह गोचर हैं, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी जो बाहरी ज़िंदगी है उसको लेकर थोड़ा पेशेंस के साथ चलें, थोड़ा संयम के साथ चलें, कहीं किसी से बिना बात के उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आपका और वो अभी तक चुप था और इस महीने के अंत में आके आपको परेशान करे या आपके अगेंस्ट कुछ और आपके खिलाफ कोई और एक्टिविटी करे, तो ऐसी सिचुएशन से बच के रहिए। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई नया ट्रांसफ़र वगैरह भी नज़र आ रहे हैं इस महीने, तो ऐसा हो सकता है कि किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या कोई आपका तबादला हो जाए, आप किसी नई जगह पे ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हों, वो सब भी महीने के सेकेंड हाफ में उसकी भी संभावना बनती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कैंसर की। तो कैंसर के लिए मैं कहूँगी कि आपका जो हिम्मत है आपकी, वो इस महीने आपको थोड़ी सी बढ़ती नज़र आएगी। 7 मार्च को वैसे भी राहु और केतु आपके त्रिक भावों में जा रहे हैं और राहु केतु त्रिक भाव में अच्छे रहते हैं। राहु जाएंगे आपके 12वें घर में और केतु आपके 6ठे घर में शनि के साथ, तो ओवरऑल आपकी जो हिम्मत है वो बढ़ती रहेगी। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं, ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल एबिलिटी काम में आती है, जैसे कि आप फोर्सेस में हों या जैसे कि आप किसी फ़िज़िकल ट्रेनिंग रिलेटेड फील्ड में हों, स्पोर्ट्समैन हों या स्पोर्ट्स के फील्ड में काम करते हों, इस तरह के जगह अगर आप काम करते हैं जिसमें फ़िज़िकल लेबर, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आपको इस महीने अच्छे अवसर निकलेंगे आपके लिए, आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप किसी नए जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कुछ नया रीसेटलमेंट करना चाहते हैं, रीसेटल होना चाहते हैं जॉब को लेके कहीं और, किसी और सिटी में, किसी और जगह में, तो ये टाइम अच्छा है आपको कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए। इस महीने में चाहूँगी कि आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ ज़रूर गुजारें, तो ऐसा ना करें कि आपका सारा का सारा फोकस बाहर ही रहे और अपनी फैमिली को आप वक्त ना दे रहे हों। उस वजह से आपकी फैमिली में, आपके जीवन साथी के साथ, आपके बच्चों के साथ मनमुटाव हो सकता है, जिससे कि आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ। अब बात करते हैं सिंह राशि की, यानी लियो की। तो इस महीने कोई ना कोई डिले, कोई ना कोई विलंब, डिस्टर्बेंसेस, बीच बीच में कामों में रुकावट, ये सब नज़र आ रही है और ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को बिल्कुल जोश में रखें, मोटिवेशन डाउन ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और वैसे भी सूर्य आपके 8वें घर में जा रहे हैं इस महीने सेकेंड हाफ में, जैसे मैंने बताया मीन संक्रांति के बाद सूर्य ने आपके 8वें घर में रहना है, तो अपनी तबीयत को लेके भी थोड़ा सा सजग रहें। अगर आप ड्राइव करते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल के टाइम पे भी थोड़ा केयरफुल रहें, किसी भी रैश ड्राइविंग ना करें, किसी भी एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करें। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, ये जो 15 तारीख के बाद का टाइम है, इसमें कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बाहर से कनेक्शन बन सकता है जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। ऐसा हो सकता है कि काम पे जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे सुपीरियर हैं, वो आपको फेवर करें और उस वजह से आपको गेन हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई आपके जो कॉम्पिटिशन से आपको थोड़ी राहत मिले इस महीने।
अदरवाइज जो आपका हेल्थ वाइज आप डेली रूटीन में अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए वो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वर्गों की यानी कन्या राशि की। कन्या राशि को अगर हम देखें तो आपके लिए आपके केंद्र में केतु आ रहे हैं आपके चौथे घर में और राहु आ रहे हैं आपके दसवें घर में। थोड़े टाइम के लिए बृहस्पति भी आ रहे हैं आपके चौथे घर में, तो बृहस्पति शनि और केतु तीन प्लैनेट्स की युति हो जाएगी आपके चौथे घर में। इस युति से मैं कहूँगी कि आपको अपने जितने भी डोमेस्टिक मैटर्स हैं, जो भी घरेलू मैटर्स हैं, उन सबको लेके थोड़ा अपनी आंखें खुली रखिए, अपने कान खुली रखिए इन सब चीज़ों को लेके। घर में अगर आपकी ज़रूरत है तो अपना टाइम घर में दीजिए, बाहर तो आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। वैसे भी राहु का प्रवेश हो गया है आपके दसवें घर में, तो कुछ ना कुछ करके आप बैलेंस वैसे भी घर और बाहर में करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल अपने घर पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे आप फिज़िकली, चाहे पैसों से, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो घर में लोगों के लिए, उसके लिए प्रेजेंट ज़रूर रहिए। और ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई वाद विवाद, लीगल मैटर में आपका टाइम इस बार खर्च हो, तो किसी भी ऐसे मैटर्स में उलझे ना, और कोशिश करिए कि आप अगर किसी वाद विवाद में हैं भी तो अपनी तरफ से कोई सेटलमेंट करें, अपनी तरफ से मिड कोर्स करेक्शन करें और किसी भी लंबी उलझन से बचने की कोशिश करें। थोड़ा सा आलस महसूस हो सकता है इस महीने आपको, ऐसा लग सकता है कि आलस की वजह से काम नहीं हो पा रहा, या आलस की वजह से आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पा रहे, ऐसा भी कई लोगों के साथ होगा, कन्या राशि वालों के साथ। तो थोड़ा सा ऐसी टेंडेंसी से, ऐसे रूटीन से बचने की कोशिश करिए जिसमें आप आलस को ज़्यादा बढ़ा लें अपने जीवन में, ज़्यादा आलसी से हो जाएं। और घर पे जैसे मैंने कहा, घर पे फोकस करना वैसे भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और जब राहु का प्रवेश दसवें घर में होता है तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि मैंने अपने राहु केतु वाले वीडियो में भी बोला था, कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन आपके कार्यक्षेत्र में हो सकता है, उससे भी आपको बच के रहना चाहिए। अब बात करते हैं लिब्रा की यानी तुला राशि की। अगर लिब्रा के बारे में बात करें तो ये जो महीना है इसमें जो लोग फूड बिजनेस में हैं, ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में है, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आ सकते हैं। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, अपने अवसरों को लेके थोड़ा सजग रहिए। अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप किसी भी लीगल वर्क में उलझते हैं, लीगल वर्क में लगते हैं, कोई कानूनी वाद विवाद है या कोई ऐसा काम है जहाँ पर आपको कोई इम्पॉर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करने हैं, तो उसको लेकर भी आप केयरफुल रहिए। जो भी आप साइन करें, जो भी आप रिटर्न वर्क, लीगल वर्क करें, वहाँ पे सोच समझ के साइन करें, सोच समझ के अपना रिटर्न काम करें। जो लोग जॉब चेंजेस ढूंढ रहे हैं, अपना नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मंथ एंड तक कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी जब नए अपॉर्चुनिटीज़ या नए अवसर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो भी आपके प्लान्स हैं वो अपने तक रखें, अपने प्लान्स को दुनिया में ज़ाहिर ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप करते हैं वो अपने आप तक करिए, काम शुरू होने से पहले, काम को आगे बढ़ाने से पहले लोगों से डिस्कशन करके अपना काम, अपना टाइम ज़ाया ना करें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की यानी वृश्चिक की। तो अगर स्कॉर्पियो को देखा जाए तो फिलहाल बृहस्पति आपके राशि से इस महीने निकलेंगे और धनु में जाएंगे, और आपके दूसरे ग्रह में, दूसरे घर में गुरु शनि और केतु की युति भी हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई पैसों का गेन, पैसों से फ़ायदा हो सकता है आपको, आपके फैमिली में कोई ना कोई एडिशन हो सकता है, आपकी फैमिली में आपके संचित धन को लेकर कोई बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है जो लोग किसी इनहेरिटेंस को या कहीं ना कहीं कोई पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान थे, उन्हें भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है इस महीने। आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे आपको
आदर मिलेगा, आदर सम्मान की स्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण महसूस होगा, जहाँ पे आपको महसूस होगा कि चीज़ें अब सही जा रही हैं। अगर काम को देखें तो कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि आपका भला नहीं चाहता, वो हो सकता है कि आपके ऑपोजिट जेंडर का हो। तो अगर आप महिला हैं तो कोई पुरुष हो सकता है, अगर आप पुरुष हैं तो कोई महिला हो सकता है, जो कि आपकी कोई ना कोई जो आपकी अच्छी इमेज है उसको लेके लोगों के बारे में, लोगों को आपके बारे में गलत बोलता है, आपकी इमेज को डैमेज करने की कोई कोशिश कर रहा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है इस महीने। तो आप जो भी करें लो प्रोफाइल रखें और अपना काम अपने तक ही सीमित रखें, आगे ज़्यादा बिना बात के लोगों से काम की बातें ना करें। और जो लोग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए माह अच्छा है, आपके करेज में, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी है, आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आप कॉम्पिटिशन्स में बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि को अगर देखें तो आपके पहले घर में ही गुरु, जो आपके लग्नेश हैं, गुरु का प्रवेश हो जाएगा 29 मार्च को। शनि और केतु भी महीने में 7 मार्च को, वैसे भी केतु ने भी आ ही जाना है, तो आपके लग्न में ही तीन तीन ग्रह होंगे, धीमी चाल वाले ग्रह, और ये असर आपको महीने के अंत तक थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा, जब आपको लगेगा कि कोई ना कोई डिले हो रहा है, कोई ना कोई जो आप काम करना चाहते हैं उसमें विलंब हो रहा है। आपने प्लान बनाया कि मैं इस काम को महीने की शुरुआत में ख़त्म करूँगा, पर शायद वो अगले महीने तक चला जाए, तो ऐसी कोई ना कोई स्थिति पैदा हो सकती है। आपको अपनी सेहत को लेकर भी काफ़ी सजग रहना चाहिए, कोई ना कोई अगर आपका चेकअप ड्यू है तो चेकअप कराते रहिए, अगर आपकी कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो छोटी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसको एक बार डॉक्टर से, एक बार मेडिकल सलाह लेकर ही निपटाएं, अपने आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन में भी ना पड़े। धनु राशि पे जब केतु का गोचर होगा, केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि पे जो जो उसका असर होगा वो उसको थोड़ा डिटेल में आप मेरे दूसरे वीडियो में, राहु और केतु का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी आप समझ सकते हैं, वो अगर आप देखें तो थोड़ा और आपको अच्छे से डीपली समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके ट्रैवल बढ़ सकते हैं इस बार धनु राशि को अगर देखा जाए तो, आपका वर्क रिलेटेड कोई ना कोई, या ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस है तो बिजनेस को लेकर भी आप ट्रैवल आपका बढ़ सकता है, तो छोटा ट्रैवल हो, लॉन्ग टर्म ट्रैवल हो, शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं इस महीने। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी माह अच्छा है जो कि कॉम्पिटिशन में है या जो हायर एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप कोई भी एग्ज़ाम जब लिखेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे, भाग्य आपका साथ भी देगा। अब हेल्थ को अगर देखें तो कोई ना कोई पेन्स, बॉडी एक हो गया, कहीं ना कहीं बॉडी में, शरीर में दर्द हो सकता है, जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर भी आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर के लिए आपका जो स्ट्रगल है, जो आपका परिश्रम है, स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, इस महीने बड़ी रहेगी। इस महीने जद्दोजहद में और परिश्रम में ही आपका टाइम निकलेगा, तो आय के जो साधन हैं वो भी बढ़ेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा जब आप जद्दोजहद में लगे रहेंगे, जब आपकी मेहनत बढ़ती रहेगी। कोई नया घर, नई प्रॉपर्टी या नए वाहन के आने की भी संभावना हो सकती है इस पूरे महीने में। आपका जो भी क्रिएटिव काम अगर आप कोई भी करते हैं तो उसमें आपका मन लगेगा, आपके क्रिएटिव इंटरेस्ट की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके बच्चों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इस महीने तो भी अच्छा रहेगा, और बहुत सारी आपकी एनर्जी जाएगी आपके क्रिएटिव इंटरेस्ट में, आपके बच्चों के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं जो कि बड़े हैं, जो कि अभी सेटलमेंट वाली एज में हैं, या अगर आप अपने बच्चों के लिए मैच मेकिंग कर रहे हैं, या उनको लाइफ में, उनके करियर में, उनके जॉब में, एजुकेशन में सेटल कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी आपका काफ़ी टाइम इस महीने चला जाएगा। अपनी हेल्थ को अगर देखें तो आपके हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आपके पैर, आपके
जो घुटने के नीचे का हिस्सा है उसको लेकर आप थोड़ा सजग रहिए, किसी भी चोट से बचिए, या अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भी पुरानी प्रॉब्लम है जोड़ों में दर्द का, या पैर में कोई पुरानी चोट है, तो उस वजह से इस महीने आपको कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए मैं कहूँगी कि आप किसी भी बड़े डिसीजन को इस महीने ना लें। कोई भी बड़ा डिसीजन हो, स्पेशली अगर वो आपके फाइनेंस रिलेटेड हो, पैसों को रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो इस महीने कोशिश करें कि आप बहुत ही सोच समझ के वो डिसीजन लें, प्रोफेशनल एडवाइस लें, उसके बाद ही डिसीजन लें, वरना कहीं ना कहीं आपका लॉस हो सकता है। इस महीने आप काफ़ी मैच्योर लोगों की या काफ़ी सीनियर लोगों की, जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे लोगों की कंपनी इंजॉय कर सकते हैं। तो उनकी कंपनी में फ़ायदा उठाइए, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए, उनकी कोई ना कोई सलाह मशवरे से आपको लाइफ में फ़ायदा हो सकता है। आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी जो हिम्मत है वो इस बार बढ़ी रहेगी। आप कोई ना कोई नया काम शुरू करने की हिम्मत पूरी रखेंगे, आप में जोश की कोई कमी नहीं रहेगी इस महीने। और जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, उनके लिए मंथ एंड तक कोई ना कोई अच्छा समाचार या कोई ना कोई गेन आने की पूरी संभावना है। ओवरऑल आपकी हेल्थ भी इस महीने अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं पाइसिस की, यानी मीन राशि की। तो पाइसिस को अगर देखें, आप नए वेंचर्स में, नए बिजनेस में या नए किसी भी प्रोजेक्ट में इस बार मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको इस वजह से। आप कंपटीशन को डील कर पाएंगे, अच्छे से टैकल कर पाएंगे अगर आपके विरुद्ध कोई भी खड़ा होता है। और लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कोई ना कोई आपको असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो सकता है, तो इस टाइम को थोड़ा पास होने दीजिए। धीरे धीरे ये टाइम वेयर ऑफ हो जाएगा, धीरे धीरे ये टाइम भी निकल जाएगा। और इसमें ज़रूरी है कि आप संयम रखें, किसी से भी बिना बात के उलझे ना अपने कार्य क्षेत्र में। और हेल्थ को अगर देखें, तो आपकी आँखें, पेट या कोई भी डाइजेशन को लेके अगर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि हेल्थ का ध्यान रखें इस महीने। दैट इज़ ऑल। मैं अब बात करूँगी अपने अगले वीडियो में, आपसे मिलूँगी जल्द ही। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।